महासमुंद में भाजपा में कथित वितरण के बाद असंतोष की आग सुलग रही है। पार्टी के दरवाजे पर कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहा, अलबत्ता बागी प्रत्याशी सीधे चुनाव मैदान में हिसाब चुकता करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मतलब हम उम्मीद कर रहे थे कि हम भाजपा से टिकट मिल जाए, अंतिम तक देखे, लास्ट में पता चला कि नहीं, हमें नहीं दिया जा रहा है, किसी और को दिया गया है। तो फिर हमने फिर से यही सोचा कि हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर जो कि कांग्रेस से हमको ऑफर आया सामने से कि आप हमारे पैनल से लड़िए यहाँ पे, तो फिर हमने उनके पैनल से। वो जमीनी कार्यकर्ताओं की परख नहीं है, 20 साल से हम पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था, पिछले चुनाव में भी सामान्य वार्ड हुआ था और सामान्य में हम टिकट मांगे थे, हमको टिकट नहीं दिया गया था। इस बार भी हमारा वार्ड सामान्य है, वार्ड नंबर 24, इस बार भी हमको टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए।